नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, जैसा सोचेंगे वैसा ही मिलेगा, और कई किताबें भी इस पे लिखी गई हैं। और मैं भी अक्सर ये बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में ये पाया है कि आप जो सोचते हैं वही होता है। इसके पीछे क्या कोई साइंस है या फिर एक काल्पनिक बात है ये? तो अभी रिसेंटली मुझे एक जैपनीज रिसर्चर हैं, मासारू इमोटो, MASARUEMOTO, मासारू इमोटो। मैं इसलिए आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ कि आप सब इनके बारे में जाके गूगल पे सर्च कीजिए। इनकी एक किताब है, द हिडन मैसेज इन वाटर, 2004 में ये पब्लिश हुई किताब। और ये किताब अपने आप में एक क्रांति थी, क्योंकि इस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो आपकी भी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मासारू इमोटो ने एक रिसर्च किया। रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि पानी लिया और पानी के सामने कुछ बातें कही, और बातें कहने के बाद पानी को फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद उसके जो मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसको चेक किया उन्होंने, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले उन्होंने बहुत सारी बीमारियों की बात करी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। पानी को भी कहने लगे कि तुम पानी बहुत बीमार हो, तुम्हारे पीने से मैं बीमार हो जाऊँगा, और उसको फ्रीज किया। उसको फ्रीज करने के बाद ये जो स्क्रीन पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर उनको दिखा। फिर एक दूसरे ग्लास के पानी को लिया, उसके सामने उन्होंने बुराइयाँ करनी शुरू की कि ये समाज बहुत ख़राब है, यहाँ पे सिर्फ चोरी है, डकैती है, हर कोई एक दूसरे को लूट रहा है। फिर उस चीज़ को फ्रीज किया उन्होंने, और फ्रीज करने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखा उन्होंने, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। फिर उन्होंने एक नेगेटिव बात कहनी शुरू की कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं किसी कारण किसी लायक नहीं हूँ, और इस तरह की कई बातें करी। फिर उस पानी को फ्रीज किया तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। फिर उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें करने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने कहा थैंक यू, ये संसार बहुत अच्छा है, हर कोई इंसान अच्छा है, और हर सब चीज़ को धन्यवाद कहना शुरू किया। और फिर उस पानी का स्ट्रक्चर को देखा तो ये पानी का स्ट्रक्चर इस तरह दिखा। आपको लग रहा होगा कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, नहीं, लेकिन ये रियल का एक एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद भी कई साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए मैंने आपको शुरू में स्पेलिंग बताया था कि आप खुद से इस चीज़ को वेरीफाई कीजिए कि ऐसा होता है। फिर उन्होंने ज्ञान की बातें करी कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं दिमाग से बहुत होशियार हूँ, इस तरह की बातें की। फिर पानी का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को देखा तो वो कुछ इस तरह का दिखा जो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। इसके बाद उन्होंने हंसी खुशी की बात की कि ये बहुत सब तरफ शांति है, हर कोई सुखी से है, खुश से है, तो स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल फ्लावर जैसा दिखा। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं आई विल डू इट करके उन्होंने बहुत बार अनाउंस किया कि मैं हर चीज़ को पा सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, तो जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल फूल जैसा स्ट्रक्चर दिखा। मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ कि हम जो अपने मुंह से बोलते हैं, जो अपने दिमाग में सोचते हैं, वो सब एक एनर्जी है, उससे एक वेव निकलता है। जो इसमें साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि एक वेव निकलता है हमारे मुंह से जब हम बोलते हैं, और वो वेव क्या करता है, हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट होता है उसको वो अफेक्ट करता है। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब है 7 सोपान, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया है कि एक हमारे आसपास ऑरा होता है। उस ऑरे में मतलब क्या होता है कि हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो जो उसके आसपास धुआं होता है, उस तरह हमारे आसपास हम जो सोच रहे हैं अभी, हम जो दिमाग में हमारे चल रहा है, हम जो मुंह से बोल रहे हैं, उस तरह का एक वातावरण तैयार होता है, और हम वही काम करते हैं और उसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आप मन में सोच रहे हैं, आप वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अगर निगेटिव बातें कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं असफल हूं, और मैं मेरी कैपेबिलिटीज नहीं है कि मैं इस चीज़ को ऐसी अचीव कर सकूं, तो आप अपने जीवन में अक्सर वही पाइएगा। आप मेहनत करते हुए जाइएगा और लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसा कुछ होगा कि आप उसमें सफल नहीं हो पाइएगा। लेकिन आप कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं हो चुका हूँ, हाँ मैं बन चुका हूँ, मैं ज़रूर करूँगा, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, जो मैं एक बार पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है, इस तरह की बातों को आप रिपीट कीजिएगा तो आपके आसपास वैसा ही इन्वायरमेंट बनेगा और आप उस चीज़ को उसी तरह के आप हो जाएंगे।
आप अक्सर देखते होंगे कि हम लोग पूजा करते हैं, पूजा में हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो मंत्रों का उच्चारण भी यही है, हमारे पहले से हमारे संस्कृति में दिया हुआ है। आपको क्या लगता है, गायत्री मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा कुछ होता है क्या कि हमें अच्छा हो? कि सभी लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय जाप का आप वो करें, किसी भी धर्म में आप देख लीजिए उसमें प्रेयर्स होते हैं, प्रेयर्स में हम क्या करते हैं, चीज़ों को उच्चारण करते हैं। उच्चारण से क्या होता है कि वैसी एनर्जी हमारे आसपास क्रिएट होती है और हम वैसा ही फील करते हैं। तो ये हमारे आज से नहीं, कई कितने दिनों से चलता आ रहा है, वर्षों वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को डिकोड नहीं कर पाते हैं। हम मंत्रों का उच्चारण तो करते हैं, पंडित जी को बुला के पूजा पाठ कराते हैं, उसमें क्या मंत्र ही तो होते हैं, वो किताब पढ़ते हैं और उसमें मंत्र का उच्चारण होता है। हम ओम का, हमारे हिंदू धर्म में ओम का बहुत है कि लोग बोलते हैं कि ओम बोलिएगा आप तो पॉजिटिविटी आएगी, आप सफल होइएगा। जैसे पूजा पाठ क्यों कराते हैं, आपके अगर जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं तो आप मंत्रों का उच्चारण कराते हैं 20 मिनट 25 मिनट एक घंटे, कहीं कहीं अष्टजाम 24 घंटे के लिए होता है, तो उतनी देर वो मंत्र का उच्चारण जो हो रहा है उससे वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो आपने देख लिया कि पानी में कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है। मैं और शरीर के अंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 70% पानी है वो तो पॉजिटिव होगा, वो तो कंस्ट्रक्टिव काम करेगा। इसलिए आप जो लोग भी मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं, आज के बाद से अपने मुंह से कभी निगेटिव शब्द को मत निकालिए, हमेशा आप थैंक यू कहिए। कितना भी बुरा हो जाए आप थैंक यू कहिए। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है इसका मतलब है कि आपने अपने दिमाग में वैसी निगेटिविटी को आपने सोचा है, इसी कारण से निगेटिव चीज अट्रैक्ट होकर आपके पास आई है और आपके साथ जो भी बुरा हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि आपने उस चीज को ही इनवाइट किया है, वो कोई कहीं और से नहीं, खुद से नहीं आया, आपने इनवाइट किया। आप आज से पॉजिटिव चीजें बोलना शुरू कीजिए, पॉजिटिव चीजों को बार बार रिसाइट कीजिए, हमेशा बोलिए कि मैं हाँ मैं कर चुका हूं। एक और इसमें बहुत ही फेमस मेथड है 369 लॉ ऑफ सक्सेस मेथड। इसमें क्या करना होता है कि आप जो भी चीज जीवन में अचीव करना चाहते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देता हूं कि आप कहना चाहते हैं कि मैं आईएएस, आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर बहुत छोटी सी चीज है, आप सुबह उठेंगे, उठते के साथ ही उदाहरण के तौर पर आप 7 बजे उठते हैं, आप 7 बजे उठेंगे, एक आप नोटबुक रखेंगे, उसमें 3 बार लिखेंगे कि थैंक्स गॉड मुझे आईएएस बनाने के लिए, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आईएएस बन गया हूं। इस चीज को लिखेंगे आप फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे, आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि हाँ मैं बन गया हूँ, इस चीज को 3 बार लिखेंगे। फिर अगले 7 घंटे बाद, जैसे आप 7 बजे उठे थे, 7, 7, 14, 2 बजे आप लिखेंगे फिर उसी बात को 6 बार, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान मैं आईएएस बन चुका हूँ, मैं आईएएस बन चुका हूँ, ऐसे करके 6 बार लिखेंगे। और उसके 7 घंटे बाद रात के 9 बजे आप फिर से उस चीज को 9 बार लिखेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान मैं आईएएस बन चुका हूँ, मैं आईएएस बन चुका हूँ, मैं आईएएस बन चुका हूँ। आप इसको करके देखिए, मैंने इस चीज को किया है, मैं आपको अपना वो नोटबुक दिखाऊंगा, जो लोग अगर मुझसे पर्सनली मिले हैं मेरे पास है वो नोटबुक, मैंने कंटिन्यूअस इस चीज को लगभग 7-8 महीने तक लिखा था, रोज लिखता था मैं, और ये जरूर कार्यरत होता है, ये जरूर सफल होता है। आप लोग भी एक बार करके देखिए। और इसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप अगर कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए कार्यरत नहीं है, आप उसके लिए कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो चीज खुद ब खुद आपके पास आएगी। अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान हैं, तो अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करने के लिए, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है कि कोई आएगा और लाइफ, जो कहते हैं कि लाइफ जैकेट फेंकेगा और आपको उस सिचुएशन से निकाल के अच्छे सिचुएशन ले जाएगा, कहीं नहीं होता है। आपको ही करना है, एक प्लानिंग कीजिए। मैं 2-3 और हैं चीज़ें जो मैंने अपनाई थी और मैं उसको ही बताऊंगा। और मैं अक्सर कहता हूं किताबें आप ज़रूर पढ़ें। 3 किताबें मैं आज सबको रिकमेंड करना चाहता हूं, जो मैंने बातें बताई हैं आज उन्हीं से रिलेटेड ये 3 किताबें। सबसे पहली किताब है द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, ये मेरी फेवरेट किताब है, मैंने बहुत बार इस किताब को पढ़ा है, जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ मैं इस किताब को ज़रूर पढ़ता हूँ। और एक चीज़ और जानिए कि जो डिप्रेशन है वो सबके लाइफ में आता है, एक फेज होता है कि आप 24 घंटे बिल्कुल आप ऐसा नहीं हो सकते कि मोटिवेटेड हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। एक फेज होता है कि दिन में आपको आधे घंटे 15 मिनट के लिए कभी कभी वो फेज आएगा कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और लगता है कि अनमोटिवेटेड हूँ, उस समय ये किताबें बहुत हेल्प करती हैं। तो पहली किताब ये है। दूसरी किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब के बारे में मैंने शायद बताया है किसी वीडियो में कि किताब कैसे लिखी गई थी, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आज कि इस किताब को लिखने के पीछे कहानी ये है कि एक रिसर्चर थे, उनका एक स्टूडेंट था, वो अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ और जितने भी लोग
इस शहर में, इस देश में, इस विश्व में सफल हैं, उनसे इंटरव्यू लेके आओ और असफल का इंटरव्यू लो और फिर देखो दोनों में क्या डिफरेंस आता है, क्या ऐसा अंतर है दोनों में कि वो सफल है और ये असफल है। तो इन्होंने इस काम को लगभग 18 साल तक किया, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लगभग 18-20 साल तक इस काम को किया। शुरू में इन्होंने 6 महीने का प्रोजेक्ट लिया था, लेकिन इनको मजा आने लगा नेपोलियन हिल को, और इस काम को इन्होंने 18 या 20 साल तक किया। उसके बाद इस समरी को इस किताब में लिखा है, तो इस किताब को अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। ये किताब हिंदी में भी है, और तीसरी भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब है, द माइंड सेट, कि अपने माइंड सेट को कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, कैसे सोचने का। इन तीनों किताब का जिस्ट यही है जो मैंने आपसे कहा है कि आपको अपने सोच को बदलना है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, अपने अंदर इम्बाइब करना है। इम्बाइब का मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो हमारे अंदर बस गया है कि हाँ मैं ये चीज़ अचीव कर चुका हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको पहले भी, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाने का ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे लिए चावल दाल सब्जी ले आओ, और वो प्लेट ला के रखता है, तो हम क्या डाउट करते हैं क्या कि आएगा कि नहीं आएगा? हम क्या करते हैं, प्लेट को टिश्यू पेपर से पोंछते रहते हैं, कांटा चम्मच सीधा करते रहते हैं कि जस्ट अभी खाना आने वाला है और हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। तो वैसे ही आपको करना है, आप एक बार चीज का अपने दिमाग में आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, फिर डाउट नहीं करना है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप इन किताबों को जब मौका मिले दिन में आधा घंटा जरूर पढ़िएगा। जो मैंने एक मेथड बताया है 369 मेथड, इसको भी जरूर अपनाइएगा, और मसारो इमोटो के बारे में एक बार गूगल सर्च कीजिए और पॉजिटिव सोचना आज से शुरू कर दीजिए। आज मेरे साथ सभी लोग बोले कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने मुंह से जब भी कोई शब्द निकालूं वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव नहीं हो। चलिए बहुत जल्द फिर मिलते हैं, ओके बाय।